कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हुई है और मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। देख पा रहे हाँ या ना? हाँ जी सर, सर, देख पा रहे थे। यस ठीक है चलिए चलिए। आज की चर्चा तो हिंदी जैसा आप लोगों ने उस पर करेंगे, ठीक है। और इस चर्चा इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद की ओर बढ़ेंगे। लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों को जोड़ना भी पड़ेगा। चलिए, पंक्ति थी, वंस ए यंग मैन, आप में से बहुत लोगों ने इसका अनुवाद किया होगा अपने से। वाक्य था वंस ए यंग आस्क सोक्रेटिस। सोक्रेटिस को क्या बोलते हैं? सुकरात स्पीकर ऑफ की आवाज बाहर तक गूंज रही है। मैं थोड़ा भी मोड़ चेक मोड़ चें फिर करते हैं, बात। प्रणाम सर। ठीक कर है सर। रहे हैं सब बढ़िया। जी सर। मुझे लगता है मैं जाऊं कि घी वो एडमिशन में लग जाऊंगा। बोर्ड दिख रहा है ना साफ, या और नजदीक लूं? Anyway, once a young man asked Socrates about the secret of success. क्या होगा इसका? एक बार किसी ने सुकरात से पूछा कि किसी ने? हमेशा तरुण रहने का क्या राज है? अच्छा, और कोई बताएगा? सर बताएं। secret of success, secret of success का मतलब होता है ने सुकरात का राज, सफलता का राज। एक बार किसी ने सुकरात से पूछा, एक ही करके हाँ, वंस समवन आस्क्ड, एक बार किसी ने सुकरात से पूछा, क्या पूछा? सफलता का राज। कि इसको जब हम सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक बार किसी ने सुकरात से सफलता का राज पूछा, ठीक है। एक बार एक युवक ने सर। सर एक बार किसी युवक ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत है क्या? वन वन का मतलब एक बार, ठीक है। एक समय मत लिखिएगा। यंग मैन, यंग मैन को क्या लिखा आप लोगों ने? एक जवान आदमी, युवक, युवक सर, एक युवक नव युवक भी लिखने की जरूरत नहीं। युवक हमेशा नया ही होता है, पुराना नहीं होता है। एक युवक ने सुकरात से क्या पूछा? अबाउट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो इसको हम सिंपल टर्म में लिख सकते हैं कि उससे सफलता के राज पूछा, चलेगा? वंस ए यंग मैन आस्क्ड सोक्रेटिस अबाउट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्लियर है? आगे बढ़ूं? जी सर। यहाँ देखिए, आप लोग यह बताने का प्रयास न करें कि उसने पूछा कि सफलता का राज क्या है या सफलता का रहस्य क्या है। कारण क्या है?
सीधा सीधा और सिंपल वाक्य लिखने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो ही टूक हिम टू रिवर, क्या होगा इसका? सो का अतः, लेकिन यहां अतः नहीं होगा, तब कौन? सुकरात, सुक्रेटस कहां ले गए उसे? नदी के पास, एक नदी के पास ले गए, ठीक है। हाँ, एक नदी के पास ले गए। सर नदी किनारे लिख सकते हैं, नदी किनारे भी लिख सकते हैं या नदी के पास, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, he took him into deep water and drowned him. He took him into deep water and drowned him. Drown का मतलब क्या होगा? डुबाना, डुबा देना। अच्छा, आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर बोल ना पाए तो टाइप करें ना भेजें, क्योंकि टाइप किया हुआ मैं देख नहीं पाऊंगा और फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा बैठ के बात करूं। ठीक है, यहां तक मेरी बात स्पष्ट हो पाई ना आप लोगों से? जी सर, जी सर, ठीक है। आज लिखेंगे नहीं, हम ऐसी बात करेंगे, जहां लिखने की जरूरत होगी वहां देखी जाएगी। अब अगली पंक्ति में ड्रोन का मतलब होता है डुबो दिया, तो क्या किए उस युवक को लेकर के? सीधी सी बात है कि उसको डुबाने का प्रयास किया, इसका मतलब नदी के अंदर ले गए। इसके बाद वाला अंश है, when the man was about to be unconscious, इसका क्या लिखा है सर? इसके लिए ठीक से नहीं दिख रहा, हमेशा बताएं अचेत अवस्था में क्या नहीं दिख रहा है? तीन से है, स्क्रीन शेयर आप लोगों के पास तो है ही, फिर से स्क्रीन शेयर करूं, आप लोगों के पास ये वाला नहीं है क्या? है सर। तो आप लोगों ने अनुवाद किया है कि नहीं? जी सर, है सर, किया है सर। तो आप लोगों ने इसका अनुवाद किया है, तो फिर आप लोग अपनी कॉपी से मिलाएंगे ना, स्क्रीन शेयर तो बाहर वालों के लिए है। एक मिनट करता हूँ कोशिश, ठीक है, अभी दिख रहा है। चलिए, इसके बाद वाला जो अंश है, when the man was about to be unconscious, क्या लिखेंगे इसका? जब व्यक्ति पूरी तरह, जब वो बेहोश होने वाला, बेहोश होने लगा, जब वो अचेत अवस्था में जाने वाला था, बेहोश होने लगा। एक एक करिए, एक बने का नहीं, होने लगा या होने वाला? होने वाला था सर, होने लगा, होने वाला था। जब वो व्यक्ति बेहोश होने वाला था, ठीक है, He took the man out of water suddenly. इस वाक्य को अगर आपको सजा के लिखना है तो इसको, जब बेहोश होने वाला था ऐसा तो कुछ है नहीं ना, हमको पता है अब बेहोश होने वाला है, होने वाला ही था। हाँ, अबाउट टू है ना, हाँ, इसको मैं होने वाला ही था। जी जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ही वह आदमी बेहोश होने लगा, आप किसी को पानी में डुबा देंगे तो बेहोश होने लगेगा या बेहोश होने वाला होगा? यहाँ बेहतर प्रयोग होगा, जैसे ही वह आदमी डूबने, मतलब बेहोश होने लगा, ठीक है। He took the man out of water suddenly. यहाँ ये जो शब्द सडनली है, इसको हम आगे ले आएंगे, क्योंकि हिंदी में इस तरह की चीजें आगे लेते हैं, तो अचानक उन्होंने उस आदमी को पानी से बाहर निकाल लिया, निकाल लिया या निकाला, क्या होगा? बाहर निकाला, ठीक है, बाहर निकाला। अचानक की जगह तुरंत यूज कर सकते हैं, सडनली तुरंत लिख सकते हैं, अचानक ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब उसको पकड़ के डुबा रहे थे फिर फट से उठा लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एज सून एज ही केम आउट ऑफ वाटर, एज सून एज का मतलब जैसे ही वो पानी से बाहर आया। हाँ, ठीक है। सुक्रेटिस आस्क्ड हिम, क्या हुआ? सुकरात ने उससे पूछा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो आप भी उसी शैली में जाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, व्हाट वाज नीडेड द मोस्ट टू यू इन द डीप वाटर, क्या होगा इसका? कहाँ पर पहले प्लेस क्या है? डीप वाटर है, तो डीप वाटर का क्या कहेंगे? गहरे पानी में, व्हाट वाज नीडेड द मोस्ट, गहरे,
मतलब तुम्हें सबसे अधिक किसकी जरूरत है? गहरे पानी में तुम्हें किस चीज की ज्यादा आवश्यकता थी? हाँ, किसकी ज्यादा आवश्यकता किस हुई चीज की आवश्यकता थी? किसकी जरूरत अधिक महसूस की? सर ऐसे लिख सकते हैं, गहरे पानी में तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या था? हाँ लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क भी देना है, उसके बाद ही रिप्लाई, मतलब उत्तर दिया उस आदमी ने, उत्तर दिया उसने, जवाब दिया या उसने उत्तर दिया, उसने कहा भी अगर लिखते हैं तो चल जाएगा। आई वॉन्टेड टू ब्रीथ, मतलब मैं क्या करना चाहता था? नाचना, सांस लेना, सांस लेना, मैं सांस लेना चाह रहा था। ठीक है, मैं सांस लेना चाहता। आगे बढ़ते हैं। देन सोक्रेटिस एक्सप्लेन्ड हिम, तब सुकरात ने एक्सप्लेन्ड का क्या लिखेंगे? समझाया, वेरी गुड, उसे समझाया या बताया भी चलेगा। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करेंगे। सिमिलर टू द रिक्विजिट ऑफ द ब्रीथ, मतलब क्या होगा इसका? सिमिलर टू लेने की चाह, सांस लेने के समान ही, सांस लेने की चाह नहीं, सांस की इच्छा भी बोल सकते हैं, सांस लेने की इच्छा, या फिर रिक्विजिट ऑफ द ब्रीथ मतलब आवश्यकता, सांस की आवश्यकता के समान ही। व्हेन यू विल रिक्वायर सक्सेस द मोस्ट, सांस लेने की आवश्यकता के समान ही। व्हेन मतलब जब, यू विल रिक्वायर तुम्हें जरूरत होगी सफलता की। हाँ प्रणाम सर। Hello? जी आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है, मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ। खाना नहीं खाई है आप? और किसी को धीरे आवाज आ रही है क्या? सर आ रही थी आपकी आवाज धीमे, फिर मैं कट की, फिर से इसको ज्वाइन की, तब जाकर ठीक हुआ। फिर से ज्वाइन करिए, जिसको आवाज धीरे नहीं आ रही फिर से ज्वाइन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि ही रिप्लाइड आई वॉन्टेड टू ब्रीथ, हो गया सिमिलर टू द रिक्विजिट ऑफ द ब्रीथ, मतलब सांस की आवश्यकता के समान। रिक्विजिट मतलब आवश्यकता होगा कि समान ही, समान के साथ ही लगाएंगे। सर ये लिख सकते हैं सांस की आवश्यकता के अनुरूप ही? हाँ अनुरूप ही लिख सकते हैं। व्हेन यू विल रिक्वायर सक्सेस, जब तुम्हें सफलता की आवश्यकता होगी। द मोस्ट, द मोस्ट कहाँ जाएगा? सफलता के बाद जाएगा, जब तुम्हें सफलता की सबसे अधिक जरूरत या सबसे अधिक आवश्यकता होगी। नन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सीड, ठीक है, नन कैन मतलब यहां देखिएगा, गेटिंग सक्सेस होना चाहिए, गेटिंग सक्सीडेड, गेटिंग सक्सेस होना चाहिए, सक्सीड भी चलिए ठीक है। तुम्हें सफल होने से, किसी का स्पीकर ऑन है? कोई नहीं रोक सकता तुम्हें सफल होने से, कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा आप लोग, यू के लिए तुम्हें लिखेंगे कि आप लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, सुकरात जो थे संत थे तो सबको तुम कह सकते हैं, ठीक है, माता पिता अपने बच्चों को तुम कह सकते हैं, इसी तरह साधु संत भगवान तुम ही कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। चलिए आगे कहते हैं, आगे बढ़े। अगला है द डिजायर टू ब्रीथ इज फॉर्म डिटर्मिनेशन, डिजायर मतलब इच्छा, ब्रीथ करिए, इच्छा की जगह चाह होगा सर, चाहत भी लिख सकते हैं लेकिन इच्छा ज्यादा अच्छा है, ठीक है, आवश्यकता लिख सकते हैं, डिजायर को आवश्यकता भी लिख सकते हैं, सांस लेने की आवश्यकता, इच्छा लिखे तभी चलेगा। इज द फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म का मतलब दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। सर प्रतिज्ञा थोड़े करते हैं कि मैं सांस लूंगा, मान लीजिए मैंने प्रतिज्ञा मतलब निश्चय, डिटर्मिनेशन इच्छा होती है, दृढ़ इच्छा, फर्म डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन या अच्छा इच्छा है। सर इच्छा क्यों बार रिपीट नहीं हो जा रहा सर? कौन बोल रहा है, एक मिनट, अरे जब मैं बोलूँ तो आप लोग मत बोलिए ना, नहीं तो वही हो जा रहा है, घूगू का मुरब्बा टाइप आवाज आ रही है। क्या बोल रही है अभी, कौन बोल रहा है? सर इच्छा दो बार रिपीट नहीं हो जाएगा?
जैसे सांस लेने की इच्छा, सांस लेने की इच्छा एक दृढ़ इच्छा है ऐसे? निश्चय बोला हूं मैं, इच्छा तो नहीं बोला। ओके सर, फर्म डिटर्मिनेशन, निश्चय इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गेटिंग सक्सेस रिक्वायर्स सच ए डिटर्मिनेशन। सर द डिजायर टू ब्रिंग दिस फर्म डिटर्मिनेशन का क्या बोले, फिर से बोलिए ना। आप लोग घर में नहीं है क्या, कहीं बाहर है चौराहे पे? लग तो रहा है। नहीं सर, सब तो बोलने लगते हैं, आपकी आवाज नहीं आने लगती है। बच्चे ना बोले, ठीक है, बूढ़े बोले खाली। चलिए मैं फिर से बताता हूँ। द डिजायर टू ब्रीद, डिजायर मतलब इच्छा हो गई, ब्रीद मतलब सांस लेने की। सांस लेने की जो इच्छा है वो क्या है, इज फर्म डिटर्मिनेशन, वह एक दृढ़ निश्चय है। सांस लूंगा ही लूंगा, बिना सांस लिए नहीं जी सकूंगा। उसके आगे कहते हैं गेटिंग सक्सेस रिक्वायर्स सच ए डिटर्मिनेशन, सफलता के लिए भी ऐसे ही दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, आप लोगों ने मिला लिया या नहीं मिलाया? हाँ सर, मिला लिया। चलिए वेरी गुड। अब अपना अपना नंबर आप लोग खुद को दे लीजिए कि किसको कितना मिलना चाहिए, और इसके साथ ही फिर दूसरा जो पैसेज है हिंदी टू इंग्लिश वो भी मैं करा दूं। बोलिए, किसी की इच्छा न हो तो बता दे। एनीबडी नॉट वांटिंग, क्या बोलते हैं? चलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। यहाँ पे सुकरात के लिए, मतलब मेरा एक दो लाइन छूट गया था सर, सुकरात के लिए रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है? जो छूट गया रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, थोड़ा कंसंट्रेट करिए अपने आप को आप लोग। चलिए अगला स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। बचपन एक ऐसी अवस्था है, बहुत लोगों ने बहुत तरह से इसका अनुवाद किया है। किसी ने चाइल्डहुड लिखा है कि नहीं लिखा है? जी सर, चाइल्डहुड इज अ सच अ स्टेज। हाँ, चाइल्डहुड इज अ सच अ स्टेज। यहाँ बताइए, चाइल्डहुड लिखा आपने, ठीक है सुन लीजिए, चाइल्डहुड आपने लिखा, चाइल्डहुड के बाद इज लिखने की जरूरत है क्या? अगर चाइल्डहुड के बाद आपने इज लिखा है तो उसके बाद फिर आगे भी एक बार आपने इज कहा उसकी जरूरत नहीं है। चाइल्डहुड इज सच ए स्टेज, जब, व्हेन या वेयर, क्या होगा? व्हेन। यहाँ वेयर ज्यादा सुटेबल होगा। चाइल्डहुड इज ए स्टेज, यह भी चलेगा। चाइल्डहुड इज ए स्टेज, यहाँ जब जो लिखा हुआ है ना, इस जब के लिए वेयर ज्यादा सुटेबल होगा, लेकिन अगर आपको वेन लिखना है तो लिख लीजिए, वेयर ज्यादा सुटेबल होगा। स्टेज जो होता है एक दो तीन, तो स्थान होता है ना, तो स्थान के लिए वेयर ही लगाते हैं ना, क्या लगना चाहिए? सर यहाँ पर टाइम के लिए बारे में बोला जा रहा है ना। हाँ, तो टाइम को वेन लिखेंगे आप? जी सर, वेन ही तो लिखेंगे, प्लेस थोड़ी है सर। नहीं, ये जो स्टेज बता रहा हूँ ना मैं, स्टेज मतलब स्थिति, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, वहां वेन भी लिखेंगे तो चलेगा, वेयर भी लिखेंगे तो चलेगा, दोनों, वेयर ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जब जिम्मेदारियां कम होती है, आप ये लिखना चाहते हैं वेन, ठीक है, वेन जिम्मेदारियों को क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, आगे बढ़े। क्वाइट लिखने क्या जरूरत है, काफी कम तो नहीं है ना। इसमें कह रहा है जब जिम्मेदारियां कम होती है, व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लेस, या फिर देयर आर लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों में से जिस क्रम में आप लगाना चाहें। आगे बढ़ते हैं। जब जीवन में चीजें नित नए रूप में सामने आती है, जब का आप व्हेन लिख रहे हैं, जीवन में, इन द लाइफ, चीजें का, थिंग्स, नित नए रूप में सामने आती है, इसका क्या लिखे हैं? कम सर, व्हेन थिंग्स इन लाइफ कम डेली, व्हेन थिंग्स इन लाइफ कम डेली इन अ न्यू वे, इन अ न्यू वे। और कोई सर, व्हेन थिंग्स अपीयर इन न्यू फॉर्म इन लाइफ,
सामने आती, नीट का डेली लिख सकते हैं इन लाइफ अपीयर्स न्यू, जब जीवन में व्हेन इन लाइफ, या इन लाइफ को बाद में ले जाएंगे क्या करेंगे सर, बाद में लेने से ज्यादा अच्छा रहेगा, व्हेन थिंग्स बाद में लेंगे, व्हेन थिंग्स नित नए रूप में सामने आती हैं, व्हेन थिंग्स अपीयर इन ए न्यू फॉर्म एवरी डे इन लाइफ, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा सर। कम यहाँ यूज नहीं हो सकता है क्या? कम सर थिंग्स कम्स, कम तो चल के आना होता है ना, देखिए कम मतलब चल के आना होता है, ये तो उड़ के आती है सब चीज, कम लिखेंगे चल जाएगा, वहां नहीं आ रहा हो तो कम लिख देंगे चलेगा, लेकिन अपीयर ज्यादा अच्छा रहेगा सर। अपीयर होगा कि अपीयर्स होगा, चीजें है ना, चीजें बहुवचन है तो अपीयर्स होगा नहीं सर, सब्जेक्ट बहुवचन में है तो आपका ये वर्ब जो है वो एक वचन में हो जाता है ना, ये नियम है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जी सर चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब किसी को वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे साधारण कामों से आनंद मिलता है, और जब एंड व्हेन किसी को गेट या एंजॉय, ठीक है समवन एंजॉय, समवन की जगह वन हो सकता है, सिर्फ वन 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 लिख सकते हैं सर, वन समवन फाइंड प्लेजर इन अ सिंपल वर्क लाइक प्लेइंग इन रेन एंड स्नो, फाइंड प्लेजर कहां इन प्लेइंग, कहां बर्फ में इन रेन एंड स्नो, जैसे साधारण काम का क्या लिखेंगे, सिंपल वर्क सिंपल थिंग्स, सिंपल एक्ट, सिंपल एक्शन, सिंपल थिंग भी लिखेंगे तो चल जाएगा, सिंपल थिंग, उसके बाद लाइक का प्रयोग करेंगे, लाइक क्या, प्लेइंग इन रेन और रेन और आई, ठीक है बहुत सुंदर कर रहे हैं आप लोग, इसका मतलब है कि इसमें 45 नंबर आप लोग अचीव कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य लेते हैं, अगला वाक्य कहता है कि लेकिन बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, इसका आप लोगों ने बड़ा गलत गलत बनाया है। But children are limited decisions. हाँ, आपको सबसे पहले इसमें बच्चा स्वतंत्र नहीं होता यह लिखना है, तो लेकिन के लिए बट द चाइल्ड इज नॉट फ्री टू डू एनीथिंग एज पर इट्स विश, इट्स इसलिए लगाते हैं कि ही या सी लगाने में गोलमाल होने का डर रहता है, इसलिए इट्स लगाते हैं। अकॉर्डिंगली किड्स आर नॉट फ्री इनफ टू डू थिंग्स एज पर देयर विश, बोलिए बट किड्स आर नॉट फ्री इनफ टू डू थिंग्स एज पर देयर विश, फ्री इनफ, ठीक है चलिए, और कोई कुछ कह रहा था सर, यहाँ बच्चा है तो किड्स होगा सर, किड्स में बच्चे में आ जाता है, चाइल्ड किड्स चल एक ही है सर, इनफ यूज सही है वहाँ पे, हाँ इनफ चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख दिया तो भी आपत्ति नहीं है, चलिए नेक्स्ट सर, बोले बट चाइल्ड इज नॉट इंडिपेंडेंट टू डू एनीथिंग विलफुली, ऐसे चलेगा सर, विलफुली नहीं लिखिए, विलफुली जानबूझ के, ठीक है नेक्स्ट, और कौन बोल रहा था, इंडिपेंडेंट सही है सर, इंडिपेंडेंटली, हाँ बोलिए सर, मैंने लिखा बट द चाइल्ड डज नॉट फ्री टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंगली, डज नॉट फ्री कहाँ से है प्रभु सर, डोंट फ्री सर, डोंट फ्री मतलब चाइल्ड का ये बकरियों भी बांध के रखा है क्या, इसको फ्री करेगा, इज नॉट फ्री, मैं खाली नहीं हूँ, आई डोंट फ्री लिखेंगे, इसी बात पे तो मैं हर बार आप लोगों को पकड़ रहा हूँ, सर बस बच्चा खाई नहीं है सर, हम बोले भाभी जी घर पे हैं, सुनिए आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, भाभी जी घर पे हैं तो भाभी जी डोंट एट होम लिखेंगे, जब डू या डज का प्रयोग होता है, एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब डू या डज का प्रयोग होता है उसके बाद वर्ब कुछ आना चाहिए, आपने डज का प्रयोग किया या डू का प्रयोग किया उसके बाद किस वर्ब का प्रयोग किया बताएं मुझे,
नहीं नहीं कुछ नहीं आया ना, तो ऐसी गलती ना करें। डू या डज का प्रयोग जहां भी होगा वो सपोर्ट करता है, डू या डज वर्ब को सपोर्ट करता है, यह मान ले तो गलती नहीं होगी। जहां भी आपका दिल करे कि नहीं डू या डज लिखना ही लिखना है, उसके बाद वर्ब नहीं आ रहा है तो मत लिखिए। इज वाज हैज हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब नहीं आएगा तो मत लिखिए। चलिए मैंने पहले ही बता दिया इसका कि बट द चाइल्ड या द किड इज नॉट फ्री टू अपनी इच्छा अनुसार डू एनीथिंग एज पर इट्स विल एज पर इट्स विशेज, या दूसरे तरह से अगर लिखना है तो बट मेघा एक मिनट बात कर रहा हूं, बट द चाइल्ड कैनॉट डू एनीथिंग ऑफ इट्स ओन, ये भी कुछ लोग लिखे हैं 10% इनको नंबर दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू मेघा क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू इज विल भी लिख सकते हैं। मेघा क्या कह रही है, मेघा ने हाथ खड़ा किया था। चलिए आगे बढ़ता हूं, और वह अपने को लगातार यही सुनते हुए पाता है कि यह काम मत करो वह काम मत करो। And continuously get to listen that don't do this thing and don't do that thing as well. पहले में थोड़ी कमी रह गई, बताइए और कोई? Sir, he gets himself hearing that don't do this work, don't do that work. अच्छा एक चीज मुझे बताइए, he gets himself hearing, जबरदस्ती है खुद को गले में बांधना। Nice. He is always told. उसे कहा जाता है। अच्छा ठीक है। And he has to always listen. He has sir, to always बोलिए सर, he has to continue order that, that. Sir. Don't do this and don't do that. एक बार में का भी बोले, हाँ don't do this don't do that, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, he has to always listen that don't do this don't do that. और कुछ कोई बताएगा इसका? यह मत करो वह मत करोगा एक आसान तरीका है सर, मैं बताऊं? हाँ बोलिए बोलिए। He is continuously told what to do or not to do. What to do and not to do. Very good. बहुत सुंदर। ठीक है, इसको मान लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सर इसका बताइए ना क्या होगा सर? अरे अभी तो भैया बताए हैं, बोलिए। वो अपने को लगातार यही सुनते हुए पाता है इसका। He is continuously told what to do or not to do. What to do and what not. He is continuously told what to do and what not. सर यह और नहीं हुआ सर उसमें? देखिए पूजा जी, अक्सर ऐसा होता है, मैंने बताया ना कि कहीं कहीं हमें थोड़ा बहुत भावानुवाद का भी सहारा लेना पड़ता है, तो यहाँ हमने थोड़ा सा भावानुवाद का सहारा लिया। वो अपने को सुनते हुए पाता है बोलने की जरूरत नहीं, ये अंग्रेजी के अंश से किसी ने हिंदी में अनुवाद किया होगा और अंग्रेजी की परिपाटी पर ही वो चलता गया होगा, इसलिए ये गड़बड़ लग रहा है। वी ऑलवेज हियर नहीं होगा गोविंद जी, उसमें होगा ही ऑलवेज लिसन या ही इज ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड what to do and what not, या what not to do. ठीक है, आगे बढ़े। अगला है ordered भी लिख सकते हैं, he is always ordered what to do and what not. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े जी सर। आगे गलती हो जाने पर उसे दंड भी मिलता है, ये बहुत क्लासिकल है। आगे के लिए क्या लिखेंगे? And on. सर further. फर्दर होगा, बिल्कुल ठीक। ये जो आगे है इसके लिए फर्दर होगा, फर्दर दंड आल्सो गेट फनिश्ड। अरे पनिश अपने आप में एक वर्ब है, उसके साथ गेट लगाने की जरूरत नहीं है। फर्दर ही इज ऑलवेज पनिश्ड इफ ही कमिट्स मिस्टेक। हाँ, इफ ही कमिट्स ए मिस्टेक ही इज पनिश्ड, या फिर ही इज punished for committing a mistake. Further on committing mistake, he is punished. Further. He is punished for committing a mistake.
सर ये बोल सकते हैं फर्दर ही आल्सो पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक्स. ही आल्सो कैसे होगा प्रभु, ही के बाद इज लगेगा तब आल्सो होगा. आल्सो लगाया है ठीक है तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगा ही इज आल्सो पनिश्ड. ठीक है आगे बढ़े. जब जवान होकर अपनी आजीविका कमाने लगता है तब वह स्कूल और पिता के अनुशासन से मुक्ति पाता है. क्या होगा when he becomes adult. हाँ when he becomes adult and get to earn his living and livelihood starts earning his livelihood. ठीक है या starts earning वो भी चल जाएगा. आजीविका है तो उसके लिए लिवलीहुड लगाना होगा. कमाने लगता है कॉमा तब वह स्कूल और पिता के अनुशासन से मुक्ति पाता है. Then only get freedom from the discipline of school and father. Only then. Then only he. Only then. Only then. हाँ दोनों चलेगा. Only then he gets क्या freedom या फिर only then he is free. ये भी लिखेंगे तो चलेगा. Then only then. So he is free. यहाँ पे एक बार दोहरा दीजिए. सर जब सर जब जवान होकर से लेकर मुक्ति पाता है तक पूरा इंग्लिश में दोहरा दीजिए एक बार सर. हाँ पहले आप लोगों का सुन लें. आप क्या लिखे हैं बताइए सर. नहीं नहीं साहब को पूछ रहे हैं अभी कोई बोले. अरे एक बार आप क्या लिखे हैं आप बताइए जरा. सर लिखा नहीं है. लिखे नहीं तो प्रयास तो करना चाहिए. चलिए और कौन बोल रहा था अभी बताइए. लिख सकते हैं क्या बोलिए. He found himself free. वो अपने आप को अनुशासन से मुक्त पाता है. पूरा वाक्य बोलिए. He found himself free from discipline of school and his father. And father. When he attains age, जवान का क्या होगा. He become mature and earn for when he earn for his living. Starts earning. देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं. जवान होकर वह जब अपनी आजीविका कमाने लगता है. When he attains adulthood and starts earning his livelihood, comma, तब के लिए कॉमा लगा देंगे या फिर then. कॉमा लगाएंगे तो then नहीं लगाएंगे, then लगाएंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे. Then वह स्कूल और पिता के अनुशासन से मुक्ति पाता है. He becomes free from या फिर he gets freedom from the discipline of school and father. क्लियर है इतना. डिसिप्लिन होगा कि कंट्रोल होगा सर. अनुशासन है ना. डिसिप्लिन होगा. अनुशासन के लिए तो डिसिप्लिन शब्द है. बोलिए आजीविका के लिए सर्वाइवल लिख सकते हैं लाइवलीहुड की जगह. सर्वाइवल मतलब जीने की कला होनी हो गए ना. किसी तरह जी रहे हैं जैसे हम लोग किसी तरह जी रहे हैं ना. मनुष्य जन्म में आकर के लोग किसी तरह जीते हैं. चलो भाई शादी अपना कार्य करें और घर वापस. आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सकते ना. आर्ट ऑफ लिविंग नहीं जीने की कला के लिए आर्ट ऑफ लाइवलीहुड ही सुटेबल है आजीविका के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. उससे आगे हम ये लिख सकते हैं बट देन दे मस्ट हैव टू एक्सेप्ट देयर फैमिली सोशल एंड प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज. हाँ ठीक है बहुत सुंदर. लेकिन बट साथ में along with this at the same time at the same time very good at the same time उसे अपने पारिवारिक सामाजिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व को भी स्वीकारना पड़ता है. He has to accept स्वीकारना को accept क्या his अपने के लिए society and business. अरे गोविंद जी आप बड़ा अजीब अजीब शब्द लिख रहे हैं. फ्रीजेस लिख रहे हैं FREESL ऐसा मत कीजिए प्रभु. चलिए तो आगे मैं बता रहा हूँ. ठीक है ठीक है आगे मैं क्या बता रहा था. बट वो हो गया अपने पारिवारिक हिज पारिवारिक का फैमिली सामाजिक का सोशल एंड गोविंद जी टाइप किया हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ चश्मा नहीं लगाया हूँ. आप टाइप करके मुझे भेज दीजिएगा मैं चेक कर लूंगा. ऐसे क्लास के दौरान आप भेजेंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा. दिख नहीं रहा ना स्क्रीन पीछे साइड में है. चलिए साथ में उसे अपने पारिवारिक
पारिवारिक के लिए क्या बताया, फैमिली, सामाजिक के लिए सोशल, एंड व्यावसायिक के लिए प्रोफेशनल, उत्तरदायित्व को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा अब पूरा बता दीजिए आप लोग सर. एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, सोसाइटी एंड बिजनेस. बिल्कुल सही. एट द सेम टाइम ही हैज टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स या फॉर या ऑफ. रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टुवर्ड्स भी लिख सकते हैं, ऑफ भी लिख सकते हैं. ठीक है, पारिवारिक, वो पारिवारिक सामाजिक एंड उत्तरदायित्व, ये पूरा हो गया. किसी को कोई शक? सर पारिवारिक के लिए फैमिली लिखेंगे, वो तो परिवार हो जाएगा ना. क्लियर. तो क्या होगा आप बताएं, फैमिली लिखेंगे? पूछना था हमको. फैमिली ही लिखते हैं. फैमिलियल कुछ वर्ड होता है क्या सर? नहीं नहीं, अभी तक मैंने नहीं सुना, और आप भी जो नहीं जानती हो मत लिखिए, नहीं तो एग्जामिनर कहीं गुस्से में आ गया ना तो मुश्किल हो जाएगी. सर और साथ के लिए एज वेल लास्ट में लिख सकते हैं? एज वेल लास्ट में लिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो आगे एज वेल का रूप नहीं लिखना है, अलोंग विथ या सिमिलरली ये नहीं लिखना है. क्या ठीक है फिर? किसी का कोई प्रश्न? आज सत्र जानबूझ के मैंने छोटा रखा है क्योंकि आप लोगों को भी थकान कम होगी. कोई प्रश्न ना हो तो हम छोड़े यहाँ. सर कुछ ग्रामर पर. हेलो जय हिंद सर. शुभ रात्रि सर. शुभ रात्रि. क्या बोल रहे हैं सर? नेक्स्ट अनुवाद कर कब करवाइएगा सर? वो करवाइए ना, वो अच्छा है. एक मिनट एक मिनट, नेक्स्ट अनुवाद बाद में कराएंगे, अभी तो आज का आप करिए ना. आप लोग क्या होता है ना, आज की चिंता नहीं करते, आने वाले समय की चिंता करते हैं. नहीं सर, जो आप ऋषि वाला नहीं दिए थे, ऋषि महर्षि वाला, आज ही का जो है टॉपिक उसी को बोल रहे हैं. टफ है सर. कौन सा? सुन नहीं पा रहा सर. इसके बाद वाले एक और नहीं था, ऋषि महर्षि सर. ये रहा पहले, आप करा चुके हैं सर, आप करवा चुके हैं. हाँ नसरीन बोली, आप क्या कह रही हैं? दो मिनट का समय देता हूँ किसी को कुछ. ऐसी की क्लास नहीं होगी आज? ऐसी क्लास आप लोगों का मन नहीं भरा, दीपक सर सिखाए नहीं है. गुरुजी जी बोलिए. सर बढ़िया सिखा रहे हैं सर. हाँ दीपक सर सिखा रहे हैं, थोड़ा एक दिन ब्रेक लीजिए, एक दिन अनुवाद करिए, एक दिन ऐसे करिए. सोनिया क्या प्रश्न है आपका? हैंड्स अप. एक मिनट सोनिया. सर हाँ बोलिए. जय हिंद सर. धन्यवाद जी. जय हिंद. चलिए फिर. हाँ बोलिए. ऋषि महर्षि वाला और एक बार करवा दीजिएगा, उसमें थोड़ा डिफिकल्टीज आ रहा है. कौन सा? वही ऋषि महर्षि वाला जो ट्रांसलेशन था सर, इसके नीचे जो ट्रांसलेशन. रिकॉर्डिंग नाम से सुन लीजिएगा सर. कब हुआ था सर? वो हमको पता नहीं, हुआ था मुझे याद है. नेक्स्ट और किसी कोई प्रश्न हो तो बोले, नहीं तो फिर आज विदा लें. थैंक यू सर. जय हिंद सर. चलिए फिर कल बात करते हैं. जय हिंद आप सबको. निकल सुनिए.